हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड, वेरी गुड. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4, रघुज ड्रीम. स्टूडेंट्स, हेयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू. लुक एट दिस पिक्चर, अ हैप्पी क्लासरूम. यहाँ पे पिक्चर गिवन है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है, डिस्क्राइब करना है व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लासरूम. ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. पेज नंबर 45. रघु वॉज वेरी एक्साइटेड टूडे. रघु आज बहुत उत्सुक था. ही हैड हिज इंग्लिश एग्जाम. क्यों एक्साइटेड था? क्योंकि उसका इंग्लिश का एग्जाम था. इंग्लिश वॉज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, और इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट था. ठीक है, रघु का. स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, ही इज रघु. और देखिए यहाँ पे रघु के माइंड में क्या चल रहा है. लेट्स रीड व्हाट इज इन हिज माइंड, ही इज थिंकिंग. क्या सोच रहा है वो? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. इंग्लिश मेरा मनपसंदा सब्जेक्ट है, विषय है. आई होप आई डू वेल इन माई एग्जाम टूडे. और मुझे आशा है कि मैं अपने एग्जाम में अच्छा करूँगा आज. आई एम सो ईगर. ईगर बेटा, ईगर मीन्स होता है EAGER, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू, कुछ करने के लिए अच्छा बेसब्री से इंतजार करना. ठीक है, इसे हम बोलते हैं ईगर. मैं परीक्षा लिखने के लिए बेसब्री से मैं बहुत उत्सुक हूँ. अगर आगे बोल रहे वो, आई वंडर इफ आई क्वेश्चन ऑन माई फेवरेट लेसन इंक्लूड. और मुझे क्या लग रहा है, जल्दी मुझे क्या लग रहा है कि मेरे जो एग्जाम है, जो क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर मेरे फेवरेट लेसन के जो क्वेश्चन हैं उसमें इंक्लूड होंगे. ये रघु सोच रहा है अपने माइंड में. सून इट वॉज टाइम फॉर द एग्जाम टू बिगेन. और जल्द ही क्या हो जाता है, परीक्षा शुरू होने का टाइम आ गया, समय हो जाता है, समय था. मिस राय स्टार्टेड गिविंग आउट द क्वेश्चन पेपर. जो मिस राय उनकी मैम है, यहाँ पे मिस देखिए, क्वेश्चन पेपर देना शुरू कर दिया उन्होंने. पे रघु वेटेड इम्पेशेंटली. रघु क्या कर रहा था, इम्पेशेंटली मतलब वेट कर रहा. इम्पेशेंटली स्टूडेंट्स होता है कुड नॉट वेट लॉन्गर. ठीक है, इम्पेशेंटली बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था पेपर के लिए. व्हेन रघु गॉट द क्वेश्चन पेपर ही वॉज शॉक्ड. जब रघु को क्वेश्चन पेपर मिला, वह चौंक गया. शॉक्ड मीन्स चौंक जाना. ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज. और उसको क्या हुआ, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था. क्यों नहीं हो रहा था, देखते हैं. देयर आर 4 स्पून एंड 6 प्लेट्स ऑन ईच टेबल, हाउ मैनी. What is this? यह क्या है? This is not the English paper. यह तो English का paper नहीं है. अब रघु क्या बोलते हैं, रघु says, ma'am, there is something wrong. यह है English का paper नहीं है. उसने बोला ma'am, कुछ गड़बड़ है. Something wrong means कुछ गड़बड़ है. Move on next page student. The whole class looked at रघु. पूरी क्लास रघु को देखती रही. They could not understand what was wrong. और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या गलत है. What's the matter रघु? रघु क्या मैटर है, प्रॉब्लम. मैटर मीन्स बेटा प्रॉब्लम, क्या मैटर है. आर यू ऑल राइट, क्या तुम सही हो. रघु सेज, अब रघु बोलते हैं, देयर हैड बीन अ मिस्टेक. वो बोलते हैं एक गलती हो गई है. मैम, दिस इज अ मैथ्स पेपर. यह मैथ्स का पेपर है. मिस राय spoke kindly to Raghu. Spoke kindly means होता है बेटा politely. Speak मतलब उसे प्यार से बोला मिस राय ने. Of course, it's maths. Yes, यह maths का paper है. Today is maths exam. और आज maths का ही exam है. अब रघु बोल रहे हैं no no, it's can't be. यह नहीं हो सकता. Today is English exam. आज तो English का exam है. Everyone was surprised at Raghu's word. सभी रघु के बातों पर आश्चर्य करने लगे सभी. I think that, अब मैम ने बोला रघु से, I think that you must have mixed up the dates. Did you check the dates? मुझे लगता है कि तुमने जो एग्जाम की डेट शीट है, डेट्स है, उसको मिक्सअप कर दिया. क्या आपने आज डेट शीट चेक करी थी, मैम ने पूछा. Yes, ma'am, रघु बोल रहे अब.
यस मैम आई हैड चेक्ड इट मॉर्निंग, हाँ मैंने आज ही सुबह चेक करी थी। टुडे वी वर सपोज्ड टू हैव आवर इंग्लिश एग्जाम, और आज हमारा इंग्लिश का ही एग्जाम होना था। रघु वॉज इन टीयर्स, अब रघु क्या हो गया, रघु रोने लग जाता है और वो आंसू से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ही डिड नॉट नो नाउ वट टू डू, और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना है। ही जस्ट स्टेयर्ड एट द पेपर, स्टेयर्ड मीन्स होता है बेटा कंटिन्यूसली, लुकिंग कंटिन्यूसली, वो देखता लगातार उस पेपर को ताकने लगा, देखना देखने लगा क्वेश्चन पेपर को। रघु, मैम ने रघु से कहा, डोंट रघु डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो, रीड द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को पढ़ो, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ देम, मुझे पता है कि तुम ज़्यादातर क्वेश्चन करने में एबल हो, मतलब सक्षम हो। रघु सैड, तभी रघु ने कहा, बट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टूडे, लेकिन मैंने तो आज इंग्लिश की तैयारी करी है। तभी एक बच्ची बोलती है, वेल द इंग्लिश एग्जाम इज टुमोरो, अच्छा हमारा तो इंग्लिश का एग्जाम कल है। रघु वॉज कन्फ्यूज, अब रघु उलझन में था, कन्फ्यूज मीन्स उलझन में था। ही कुड नॉट थिंक क्लियरली, वह स्पष्ट रूप से क्लियरली नहीं सोच पा रहा था। वट इफ आई डू बैडली इन मैथ्स, अब वो सोच रहा है कि क्या होगा अगर मैं मैथ्स में कुछ गलत करूंगा, बैडली मतलब बहुत बुरी तरह से गलत करूंगा था। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टूडे, और मैंने तो क्या किया है, इंग्लिश की तैयारी करी है। रघु कीप ऑन स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, अब क्या करे, रघु खुद से बोल रहा है। स्टूडेंट्स यू कैन सी हेयर रघु इज ऑन द बेड, रघु बेड के ऊपर है और वो अपने आप से ही बातें कर रहा है। ये जो सब हुआ वो उसके एक ड्रीम में हुआ, सपने में हुआ। अब देखिए क्या होते हैं नेक्स्ट, इट वॉज सपोज्ड टू बी इंग्लिश टूडे, आज इंग्लिश का होना चाहिए था एग्जाम। आई नो इट वॉज सपोज्ड टू बी इंग्लिश टूडे, मैं जो एग्जाम मुझे जानता हूँ, मुझे पता है कि ये इंग्लिश ही होना चाहिए था। रघुज मदर नोटिस हिम, जो रघु की मम्मा है वो उसको क्या देखती हैं, नोटिस करती है, हिम किकिंग अराउंड इन हिज बैड, किकिंग होता है बेटा लात मारना, कि वो अपनी बैड पर लात मार रहा है। एंड muttering समथिंग, muttering होता है फुसफुसाना, speaking स्लो वॉइस, कुछ भी धीरे से आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था, वो muttering कर रहा था अपनी लात को मारते हुए। अब रघु की मम्मा उसे बोलती है, रघु वेक अप, रघु उठो, यू मस्ट हैविंग अ बैड ड्रीम। अब रघु बोलते हैं, ओ मम्मी वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। इन योर बेड रघु, आप अपने बेड पर हो। रघु लुक अराउंड, रघु अपने चारों ओर देखता है। ही वॉज इन डीड इन हिज बेड एट होम, और वो अपने आपको कहाँ पाता है, बिस्तर पर ही, अपने रूम के अंदर, अपने होम में, घर पर, अपने बिस्तर पे अपने आपको पाता है। इट मस्ट हैव बीन अ ड्रीम, यह एक सपना रहा होगा, रघु ने बोला। ओ मम्मी आई हैड सच अ बैड ड्रीम, मेरा इतना बुरा सपना था। कम डाउन, काम होता है बेटा रिलैक्स, रिलैक्स बोल देती है मम्मा, रिलैक्स हो जाओ, एंड टेल मी अबाउट इट, और मुझे इसके बारे में बताओ। टर्न मूव ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, रघु टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज ड्रीम, और रघु ने अपनी मम्मी को अपने पूरे सपने के बारे में बताया। I prepared that I went to school prepared for my English exam. उसने क्या देखा सपने में, कि वो English की preparation करके school में गया है, और उसका school में क्या पता है, वो I found out that he had the maths exam indeed. और वास्तव में किसका paper था, exam था, maths का exam था। तभी मामा बोलते हैं, ओ माई पुअर बॉय, ओ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे पुअर किसके लिए, उसके प्यारे बच्चों के लिए, शोरिंग मम्मी फील्स सॉरी फॉर रघु के लिए बोल रही है। ओ मेरे प्यारे बच्चे, हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल चुके, भूल गए हो, दैट्स योर एग्जाम आर ओवर, कि तुम्हारे जो एग्जाम है वो समाप्त हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर हॉलीडेज, और आज तुम्हारी छुट्टियों का पहला दिन है। चिल्ड्रन नाउ यू विल रीड दिस चैप्टर वंस अगेन ऑन योर ओन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी आफ्टर लिसन दिस वीडियो। Okay, take care, sir. Bye-bye. Have a nice day.